तो जो मानतला ही है वो है इधर से शुद्ध महादेव से 7 किलोमीटर दूर। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे एक योगा सेंटर है जो क्या नाम था उसका, मुझे फिर से भूल गया, हाँ द्रिंदर ब्रह्मचारी जो एक गुरु थे उन्होंने बनवाया था, वही देखेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा योगा सेंटर है। यस, ओके सो हम यहाँ पे आ गए हुए हैं एंड देखते हैं यहाँ पे करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पे है तो है कुछ, आई थिंक ये मंदिर है कोई, क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ लिखा है पवित्र तलाई, तालाब होता ना ये। अच्छा तालाब है ये, हवन कुंड में तैरना मना है। वहाँ पे मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है ये, चलते हैं अंदर। ओके सो ये मंदिर, चलते हैं अभी। मैं सॉक्स बचा बचा के चल रही हूँ। नंदी जी है यहाँ पे, ये रहा मंदिर, चलते हैं अंदर। गीला है ऐसा है कुछ मंदिर। ये जो देखो माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई, मतलब कि जो माता पार्वती जी थे उनका जन्म जो था वो मानतलाई में हुआ था। ग्रेट। वैसे जो आप तालाब टाइप देख रहे हो ना, ये एक हवन कुंड है, वहाँ पे भी लिखा हुआ था, मैंने पढ़ाया था। तो यहीं पे जो है शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यस, इसलिए यहाँ पे अब स्नान वगैरह करना मना है। वहाँ पे स्नान घर बने हैं, वो महिलाओं का है और मर्दों का पता नहीं कहाँ है। मर्दों ये अच्छी जगह है। जो योगा सेंटर है ना गाइज, वो आगे जाके है आई थिंक। वो जो व्हाइट वाला गेट देख रहे हो ना, शायद वो है। ए क्या हरकतें हैं, उठ। गाइस मंदिर से हो आए हैं हम, अब हम जा रहे हैं आगे जो योगा सेंटर है वहाँ पे, पैदल ही जाएंगे आई थिंक। ये गेट है जो मैंने बताया था आपको व्हाइट कलर का, वो ये रहा यहाँ से। कार जा सकती है, तो ये कह रहे हैं कि कार जा जाना जाओ तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा यहाँ से ही शुरू हो जाता है ना। रहने दे बेहतर रहेगा। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कार भी अंदर जा सकती है, लेकिन ना पैदल जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहीं से सारा स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ना आप देखते देखते जाओगे, तो जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। ऐसा है कुछ फिलहाल यहाँ से। गाइज ये री एंट्री। ओके तो ये यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, ईवी रोड एंट्री। वाह ये कितना मस्त है यार, व्हीकल पार्किंग, इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन, जेंडर बेस्ड टॉयलेट। ये जनरल रूल्स यहाँ के लिखे हुए हैं। तो ये जो देख रहे हो ना, अभी एयरपोर्ट था पहले, अब नहीं है। मतलब जो दिनेंद्र ब्रह्मचारी जी थे वो यहीं पे आते थे अपने हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो ये हेलीपैड है उनका, यहाँ पे वो लैंड करते थे, क्योंकि रास्ता नहीं था ना तो इसलिए। गाइस मेरे को ना ये डर लग रहा है कि देखो यहाँ पे हम चल जा तो रहे हैं, आएंगे कैसे, इतनी चढ़ाई चढ़ेंगे कैसे। मेरे जैसे बंदा तो गया काम से, हाय। अभी तो टांगे खुद ब खुद चली, क्योंकि बहुत ज्यादा ढलान है, लेकिन चढ़ाई में प्रॉब्लम आने वाली है रे। और अगर कार लाते तो वो कार यहीं तक आनी थी, क्योंकि वहां पे कार पार्किंग है। अच्छा यहाँ पे हट भी है 2 BHK वाली।
OMG यार, ये कितना ऑसम है यार। है क्या ये वैसे? आई डोंट नो, बट जो भी है बहुत सही है। पहाड़ी सुंदर लग रही है ना सामने की कितनी। ये योगा सेंटर जो उधर लिखा था बोर्ड पे, ये देखो गाइस, जो ये है ना सारी ये हट्स वगैरह है। तो ये ऐसा है कुछ, यहाँ कुछ थोड़े बहुत झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए। आते टाइम मैं भी ये झूले लूंगी। ही देखना यार क्या हरकतें करी जा रही है पागलों वाली, है नहीं ये मंकी मैन। मंकी मैन ये ना थोड़ा थोड़ा पत्नीटॉप जैसा है। गाइस जी देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो यही थे गाइस धुरंधर ब्रह्मचारी जी, ये रहे वो जिनका ये आश्रम बनाया हुआ है। यार मुझे पूरा पत्तीटॉप वाला फील दे रहा है। गाइस ये देख रहे हो ना पुराने टाइप की जीप, ये वो है। हालत इसकी बहुत खराब है, सिर्फ लोहा पड़ा है यहाँ पे, किसी काम की नहीं है। ये अच्छा ये उनकी गाड़ियाँ हैं। ओहो वाह, उस टाइम तो हाँ यही गाड़ियाँ चलती थी, ये उन्हीं की गाड़ियाँ थी जिनको यहाँ पे रख दिया हुआ है। गाइस यहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ फोटोज वगैरह खींचने। यार पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। द्यार वो क्या होता है? हाँ वो गई, वो देखो हिरन नकली है, असली है रे, नकली है। ओ मुंडी हिला रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बारह सिंह है ये। हाय ये जी देखो यार कितना सुंदर है। गाइस ये पे उनकी कोई जगह है, गॉड नोज क्या था ये उनका, कुछ घर था या ऑफिस था या क्या था कुछ पता नहीं है। और ये पुराने जमाने का जनरेटर उस टाइम का। गाइस अभी जहाँ पे हम थे वहाँ पे मैंने थोड़ी रील्स वगैरह बनानी, थोड़ी क्या एक ही रील बनाई है मैंने और बहन ने। एक घंटा लगा हमें बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली टेक काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे हमने, कभी हमारी सेटिंग नहीं हुई थी कैमरे की। फिर समहाउ वी मैनेज, हमने बनाई। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, एंड लेट्स सी व्हाट्स ओवर देयर, क्या क्या है वहाँ पे। आई थिंक मैंने यहाँ पे आना डिसीजन जो था वो सही था, वर्थ इट आई प्लेस, आई एम एंजॉइंग अ लॉट। गाइस ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डंडे से मार रहे हैं। ये देखो ये नन्नी को मार रही है मामू, और मामू नन्नी मामू को मार रही है। दोनों ने डंडे पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। यही सब काम करते हैं ये लोग। देखो यहाँ का ट्यूलिप गार्डन, अंदर जाने देंगे या नहीं देखते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ तो है, हम ऊपर जा रहे हैं। ये पुरानी गाड़ी थी गुरु जी की, और ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया था। अरे यार किसी एंगल से हेलीकॉप्टर लग ही नहीं रहा यार। ये ना ये उसकी फ्लाइंग पर ये वो पिछला अच्छा वो जो उसका पिछला हिस्सा उसका टेल। हाँ ये इस तरह से था ना यार। हाँ समझ गई, मैंने बस ये हिस्सा देखा ना, मैंने वो पीछे वाला देखा ही नहीं था, बट ये पूरा यार कितना मोटा पक है। अच्छा कितना खतरनाक कट लगा है। 13 साल पहले भी मैंने ऐसे ही देखा, आज भी ऐसे ही देखा इसको। हाँ ये है इसका वो बॉडी। अच्छा ये बॉडी है। हाँ। अच्छा इसकी ये बॉडी है, ये सिर्फ ये लोहा पड़ा है। पर नहीं होते, पर होते जो ऐसे करके फ्लाइंग जहाज, वो जहाज में होते, हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर नहीं है डफर, ये वो है वो जो इसमें 3-4 लोग है, वो जो प्राइवेट जेट होता है। अच्छा प्राइवेट जेट है ये। हाँ। ये प्राइवेट जेट है, मुझे लगा हेलीकॉप्टर है। शिट तभी मैं बोलूं हेलीकॉप्टर वाला कोई सीन ही नहीं है इसका। ओके तो ये प्राइवेट जेट था, वैसे मुझे हेलीकॉप्टर ही लग रहा है। देख ऐसे अधूरी जानकारी देते हुए गाइस ये प्राइवेट जेट था उनका।
यस, ये उसकी बॉडी है, ये लोहा वगैरह पड़ा है, एंड ये पंखा था उसका, ये इसका टायर। बेचारे की डेथ ही इस वजह से हो गई थी। सामने का भी दिखाऊं, इतना सुंदर हो गया। वाओ यार, कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर ही नहीं हो रहा है। लुक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना सुंदर है यार। वहां पे देखो घर है, और मतलब यहाँ पे दूर 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 घर है, जैसे एक ये है, एक ये है, देखो कितना सही है ना। लेकिन और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे घर कम है और यहाँ पे चीते ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे रात में मार्केट पता क्यों बंद हो गई थी? कहते हैं कि यहाँ पे चीते का डर रहता है, लेपर्ड का। लेपर्ड का मार्केट में तो नहीं आएंगे, बट गांव एरिया में, जैसे यहाँ पे है ना गांव एरिया टाइप, वहाँ पे। लेकिन उन्होंने इस वजह से, एक तो ठंड की वजह से, दूसरा लेपर्ड का डर रहता है, उस वजह से भी उन्होंने मार्केट जो थी रात को बंद कर दी थी। हमने सुबह पूछा था उनको तो उन्होंने बताया था। गाइस, हम और नीचे को जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है नीचे, लेकिन जा रहे हैं। गाइस अभी और भी है नीचे, मगर हम नीचे जा नहीं रहे हैं क्योंकि फिर ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत चढ़ाई है यार। आ तो क्या कर रहे हो मामू, आ तो गए नीचे, ऊपर जाना मुश्किल है। देख रहे हो चढ़ाई, ये चढ़नी कैसी है अब इतनी, ये ऐसी ही है सारी यार। मेरे को तो वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वो भी इससे कम होगी जितनी ये चढ़ाई है, भगवान कैसे चढ़ेंगे। ओह गॉड, मुझे डर लग रहा है इतनी चढ़ाई देख के। गाइस देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, व्यू के मजे लेते हुए चारों, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फोटो खींचने का बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। डैडी बहुत अच्छा, मामू जी एकदम मस्त, अब ये चढ़ाई भी चढ़नी है, चढ़ जाएंगे उसमें क्या, वो भी मस्त लगेगी, ठंडी हवा, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, फिर हमने एक एंटीना का अरेंज किया तो यहाँ लगा दिया। चलो यार अब ऊपर चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं इतनी सारी वाली। हम तुझे धक्का देता है, दे दो, ये मुझे सही में धक्का दे। कोई नहीं, ओह कितनी खतरनाक, बिल्कुल इस टाइप की खड़ी चढ़ाई है। तो गाइस अभी मेरी इतनी में बस हो गई हुई है, अभी आगे इतनी चढ़ाई है, लिटरली बोले भी नहीं जा रहे थे, ये सांस चढ़ी हुई है मुझे। ओके ये है, इसके बाद यहाँ से टर्न लेके फिर से चढ़ाई है। ठीक है गाइस, इधर ना यहाँ पे पार्क वगैरह है, मतलब झूले वगैरह हैं, यहाँ पे झूले लेते हैं। मैं तो वैसे भी छोटी बच्ची, सबसे पहले झूले लेने में ही जा रही हूँ, चलते हैं वो वाले लूँगी मैं, डर लगता है मुझे ऑल दो, बट स्टिल लूँगी, वीडियो बनाएगी मेरी। ठीक है, यहाँ आने से डर रही है गाइस, और इसने शायद ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है। वापिस उतर गई, कुछ नहीं होगा गाइस, बेइज्जती हो गई, मेरे को डर लग रहा था, मैं लिया ही नहीं। गाइस एक तो हमारा पानी खत्म हो रखा है, पानी मिल नहीं रहा, अब आगे से जाके लेना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मैं लिटरली इतना गला सूख रहा है ना, क्या बताऊँ, और थैंकफुली आ गया गेट, वो रहा सामने। अब वहाँ पे जाएंगे और मैं पड़ जाऊँगी कार के अंदर, वो सामने कार लगी हुई है, चलते हैं। गाइस वो जो ऊपर देख रहे हो ना पहाड़ी, आप वहाँ पे, वहाँ बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी जगह है। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ कार में, एंड मैंने पानी पिया, अब मुझे होश आई है थोड़ी, यार सही में पानी के बिना बुरी हालत हो जाती है। जगह अच्छी है बट चलना पड़ेगा, और अच्छा भी है यार कि बंदा क्या है ना कि आजकल के टाइम पे लोग चलना भूल गए हैं, तो यहाँ पे आके बंदा थोड़ा बहुत चल भी लेता है और जगह भी देख लेता है। अभी नीचे बहुत था लेकिन हम गए नहीं, क्योंकि हम जाते ना, जाते जाते तो बड़े मजे से चल जाते, आते हुए फिर
प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना ज्यादा चढ़ाना है, एकदम लिटरली खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। जो भी हमने आ गए ऊपर, घंटा लगा शायद हमें, नहीं एक घंटा लगा हमें आते हुए, सोच लो। पर मजा आया। हाँ मजा आया, क्योंकि ऊपर का वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये चलना जो, हाँ ये सेहत के लिए अच्छा था। और गाड़ी भी ले सकते थे नीचे, हाँ। जबकि वो डैडा ने लेने नहीं दी, गाड़ी भी ले सकते थे, लेकिन हमने सोचा चल के जाते हैं, चल के देखना और हर एक व्यू देखना अच्छा लग रहा था। ऐसे बार बार गाड़ी से उतरो ये वो, और कितनी ही यार सहूलियत लेंगे, थोड़ा बहुत खुद का भी यू नो कष्ट देना चाहिए, तभी जाके थोड़ी हेल्दी रहता है बंदा। एनीवेज वी एंजॉयड अ लॉट। अब यहाँ से हम निकलेंगे, पहले कुछ लंच वगैरह करेंगे, फिर हम जाएंगे घर को, एंड घर को जाएंगे। सो यार गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे, एंड 8 बजे मैं यहाँ पे पहुंची थी। थकान हो चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग की इतनी नहीं होनी थी जितनी मतलब उसकी हुई है, जो हम चले थे उस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। बट कोई नहीं, एट द एंड मज़ा बहुत आया है, वी इन्जॉयड अ लॉट। एंड 2 दिन का ट्रिप था, बट 2 दिन के ट्रिप में हमने पूरा इन्जॉय किया है। सो या अच्छा लगा वहाँ जाके, मंदिर वगैरह सब अच्छा है, तो आप भी ज़रूर वहाँ पर जाइए, मैं तो रेकमेंड करूँगी। हाँ बस वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ थोड़ा खाने की प्रॉब्लम रहती है, रेस्टोरेंट वगैरह ढाबाज वगैरह वहाँ नहीं है, तो आप वेट मत करना कि आगे जाके खा लेंगे हम खाना, या आगे जाके खा लेंगे। हमने यही गलती की है, जहाँ आपको खाना मिले आप वहाँ खा लो, बस ये कर लो, क्योंकि आगे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो तो चलो हमारा बचाव हो गया कि जो हमारे होटल में जिसमें हम रुके थे उन्होंने हमें बोल दिया कि हम आपको बना देंगे, तो वो तो अच्छा हो गया कि उन्होंने हमें रात का खाना बना दिया, अदरवाइज दुकानें बिल्कुल बंद हो रखी थी 6 बजे ही। यस, तो उन्होंने हमारा रात का तो काम निकल गया हमारा, बट मॉर्निंग में हमें भी प्रॉब्लम आई, तो फिर वो तो एक नान वाली शॉप थी वहीं पे हम चले गए। तो एक चीज माइंड में रखना कि अगर आप वहां जाओगे तो खाने के लिए वेट मत करना, जहां जगह मिल रही वहां खा लो, बस ये है वहां का। सो या ऐसी कुछ थी आज की वीडियो, करें स्लो के इंपेंट, आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। बाय।